क्वेश्चन नंबर बोलो। लास्ट क्लास जो लिए थे उसके बाद एक क्वेश्चन, एक वहां पे होमवर्क में एक पीडीएफ पोस्ट किए थे ग्रुप में, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 4 का 9। फोर का 9, ओके। एनीवन एल्स, किसी और को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हेलो नीति, शुभम, अभिषेक, आयुष, मानसी, कोई भी, किसी को और कुछ प्रॉब्लम नहीं है? सबसे बन गया है? यस सर। ओके तो देखो 4 का 9, 4 का 9 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें बताया था, ये फॉर्म जो होता है अगर जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, जेड लिख करके सिर्फ जेड लिखा हुआ रहेगा तो ये इंटीजर को डिनोट करता है, बताया ना, ठीक है, ओनली जेड रहा तो जेड में लिख करके इस तरह से कट कर देगा, इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अदरवाइज वहां पे मेंशन्ड होंगे, वर्ड में लिख देगा जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन जो गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा टू द पावर -3, यही है ना रुचिका, सो इसको लिख लेंगे 1 by 1 plus 2 to the power iota, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हेलो यस सर। ओके सो आप क्या बोले थे कि इसको अगर रेशनलाइज करना है, जैसे हम लोग इरेशनल नंबर के केस में चलते थे कि डिनोमिनेटर को फ्री करते थे इरेशनल नंबर से, सो यहाँ पे क्या करते थे, बेसिकली आयोटा को रिप्लेस करते थे माइनस आयोटा से, है ना, इस वाले पोजीशन पे चेंज करते थे। तो आप देखो इसी को लिख सकते हो, सिंपल एकदम सोचना है, जो बताए ये लिख लिए 1 देखो 1 प्लस 2 आयोटा, ये स्क्वायर कर लिए, पहले इसमें चेंज करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, अब इसको रेशनलाइज कर लिया 1 माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 क्या हो जाएगा -2 आयोटा, सिर्फ ये दोनों का प्रोसेस करना है, दिस इज इक्वल टू देखो 1 by 1 plus 2 आयोटा, अभी यहाँ पे स्क्वायर इसका बाहर रखते हैं, ठीक है, इसमें करेंगे तो 1 minus 2 iota आर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बताया ना क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, इसका बता चुका हूँ क्या होता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना। फिर क्या करेंगे, ये जो आ गया 1 minus 2 iota, अब भाई क्या आ जाएगा देखो ये वाले पार्ट 5, अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को यहाँ पे ले जाते हैं 1 plus 2 iota 1 by 1 plus 2 iota, अब दोनों में रेशनलाइजेशन करते हैं 1 minus 2 iota, यहाँ हो जाएगा 1 minus 2 iota, हालांकि एक ही स्टेप में किया जा सकता था बट फिर भी इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं कि ताकि समझ में आ जाए 1 minus 2 iota, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus 2 iota, सो ये दोनों को साथ में रखोगे, यहाँ पे ये दोनों को साथ में रखोगे, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 minus 2 iota का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ये सुनो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना, थोड़ा लेंदी था, 125 हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 plus 2 1 minus 2 iota
टू द पावर क्या है, थ्री है, ये सुनो। सो ए प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ सर, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला यूज करना है उसके एक्सपेंशन के लिए। सो देखो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1/125 वन का होल क्यूब प्लस माइनस टू आयोटा का होल क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर वन का स्क्वायर इंटू माइनस क्या हो जाएगा टू आयोटा प्लस थ्री इंटू वन माइनस टू आयोटा का होल स्क्वायर, ये सर नो। सो दिस इज इक्वल टू 125 वन, यहाँ पे अब क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एट आयोटा क्यूब, ये सर नो। यहाँ पे देखो माइनस थ्री इंटू टू सिक्स आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब ये बताए थे कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, राइट। आयोटा टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। आयोटा का वैल्यू क्या लिखना है, सिंपली आयोटा होता है वन पावर रखेंगे तो, ठीक है। और आयोटा का जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट माइनस वन होता है, ये ध्यान में रखना। सो अब यह इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है 125 वन बाई वन स्टेप में, थोड़ा लेंदी है बट फिर भी जो प्रोसेस है वो एलिमेंट्री प्रोसेस में चल रहे हैं, वन बाई वन स्टेप कर रहे हैं, तो समझने में क्या होगा स्टेप्स इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार बनाने के बाद आइडिया मिलेगा तो एक दो स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आ सकते हैं, तो इतने लेंदी नहीं होंगे, वो समझ में आएगा कि कर क्या रहे हो, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस आयोटा, इट मीन्स वन प्लस एट आयोटा माइनस सिक्स आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, ये सुनो। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसका जो वैल्यू आएगा माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये दोनों ऐड होकर के 1/125 माइनस 11, ये दोनों ऐड होकर के प्लस टू आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 11/125 प्लस आयोटा 2/125, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। तो ये प्रोसेस था, हालांकि यहाँ पे एक ही स्टेप में डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जा सकता था, तो ये सब सारे स्टेप क्या हो जाते हैं, स्किप कर सकते थे। अब इस वाले स्टेप से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे ये वाले स्टेप पे, तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाता, यहाँ पे आ जाते, फोर्थ स्टेप में आंसर आ जाता। समझ में आया सबको? हेलो सर, हम लोग स्टार्टिंग में रेशनलाइजेशन के टाइम में वही 1+2 आयोटा क्यूब को ब्रेक कर सकते थे क्या? हेलो, हाँ बोलो सर। 1/iota 1+2 आयोटा क्यूब है ना जो, हाँ हाँ सर, उसी को हम लोग क्यूब को ब्रेक करके सर वहीं से रेशनलाइजेशन स्टार्ट कर सकते थे ना। हाँ हाँ, कोई नहीं, बोले ना कि डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकता था। हाँ है ना, मन वो प्रोसेस बताएं कि इस तरह से होगा। सबको समझ में आ गया? स्टिल अगर किसी को लगता है कि ये समझ में नहीं आया है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो बेझिझक पूछ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शर्मिंदगी या इन्वेस्टमेंट फील नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या लोग सोचेगा, कुछ नहीं, सब जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेझिझक पूछ सकते हो या पूछ सकती हो। हाँ बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। आयुष, ओके, सबको आ गया ना समझ में, मान के चलो। तो आगे किसी और को कुछ पूछना है इस टॉपिक में? नहीं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर यही तक स्टॉप करते हैं, जब स्टार्ट करता हूँ जस्ट सारे का क्या है कि थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, जस्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो वाले पार्ट को, कि आइडिया एक होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, राइट, कैसे उसको आर्गन प्लेन में हम लोग डिनोट करते हैं। देन अब आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किसी को लगता है कि अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ समझ में नहीं आया हो?
सर लास्ट क्लास में जो टॉपिक लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना सर, वो क्या इक्वेशन करके था सर, वो समझा दीजिए ना। क्या सर लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था ना, इक्वालिटी ऑफ। अच्छा वो तो बताए थे ना, इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ भी है, ये बताए थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना, अगर z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा d है, राइट, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है। सो इफ z1 इज इक्वल टू z2 गिवन है ना, अगर ये गिवन है, इक्वल है दोनों, इट मींस क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा d दिस इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। सो क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर करेंगे रियल पार्ट ऑफ, यहाँ क्या लिख हेलो जेड वन इज इक्वल टू एग्जाम्पल में सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। ओके वेट वेट, कब से ऐसा हुआ है सर, अभी तुरंत। देखो हाँ विजिबल है। ओके सो यहाँ देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या किए हैं, लेट किए हैं, है ना, एंड यहाँ पे कंडीशन दे दिए हैं कि z1 इज इक्वल टू क्या है, z2 गिवन है, इट मीन्स दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिखे। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किए। अब इसको क्या करेंगे कि रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो वन एंड टू साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये दोनों क्वालिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होंगे। सो इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट साइमल्टेनियसली दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे एक एग्जांपल में देखो, हो सकता है कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे जेड वन इज इस तरह से, ध्यान दो, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेकर के आगे, सो ए माइनस सी आ जाएगा प्लस आयोटा बी माइनस डी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो जीरो लिखने का मीनिंग क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो क्या है, आयोटा जीरो है, राइट, इट मीन्स क्या करेंगे कि इसको जीरो से कंपेयर करेंगे, इस वाले पार्ट को भी जीरो से। तो यहां से लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो एंड b माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, सो a इज इक्वल टू सी आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू डी आ जाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, राइट। सो एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, अगर z1 इज इक्वल टू x माइनस वन है ना प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, ओके, या सिंपली देखो एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, जेड वन एक्स प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, जेड टू इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा है, दिए हुए हैं कि जेड वन इज इक्वल टू क्या है, जेड टू है,
देन फाइंड एक्स। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राई करो तो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे लिखा हुआ है ताकि रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड करके बताओ। वागीसा विधि समझ में आ रहा है जी? फर्स्ट क्लास है ना आपका? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, पहले से पढ़ी हो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा सुनी हो? सर पूरा नहीं पढ़ा। ओके ठीक है, ट्राई करो, ये तो बहुत बेसिक है ना। प्रवीण भागना नहीं है किसी को, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भाग रहे हैं बच्चे। सभी गायब हो गया, नाम लेते ही। ओके मानसी। यस सर। आंसर बताइए क्या होगा? सर बना रहे, एक सेकंड। अभिषेक। आराध्या। x is equal to 1 और x इक्वल टू 2। चलो कोशिश तो किए, फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। देखो कंडीशन दिए हुए साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, है ना? सो अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखें। जेड वन इज इक्वल टू जेड टू गिवेन है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? जेड वन इज इक्वल टू जेड टू ये गिवेन है, तो यहाँ से कंडीशन हो जाएंगे x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा। यस और नो? सो सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। उसके केस में अगर टू लोगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, मींस कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। हेलो, स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रहा, आपका साउंड भी नहीं आ रहा था। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर और साउंड भी नहीं आ रहा था आपका? ओके, ऐसा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। ये तो ओके, कुछ है ना, विजिबल है? यस सर। ओके सो देखना यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू कर लेना। एक्चुअली अगर प्लस टू रहेगा ना तो उसमें नो वैल्यूज ऑफ एक्स। यस सर, वैल्यू नहीं आएगा। जेड वन इज इक्वल टू जेड टू क्या हुआ? नहीं सर, वहाँ माइनस टू होता। हाँ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से फाइंड करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स माइनस टू इंटू क्या हो जाता है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू वन और क्या आता, टू आता। सो दो वैल्यू यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है। सो कॉमन वैल्यू कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। कॉमन वैल्यू कौन सा है जी, एक्स इज इक्वल टू वन है।
है ना, सो x इज इक्वल टू वन आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे आंसर x इज इक्वल टू वन होगा, जो अगर वहां पे प्लस टू रहता तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, मींस ऐसा x का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होते जिसके लिए z1 इज इक्वल टू z2 होता, वहां पे लिख सकते हो क्योंकि कॉमन दोनों आते ही नहीं है ना, वहां पे क्या आ जाता कोई दूसरे रूट आए थे। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ था, अगर x यहाँ पे देखो x प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 3x है ना, ये z1 था और ये क्या है z2, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा दिए थे राइट। अब ध्यान दो x इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे, चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 तो z1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 ही हो जाता, 3 इंटू क्या होगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और z2 भी क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो गया दोनों है ना। अब देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब बोलोगे कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो चेक करके बता रहा हूँ। सो z1 इज इक्वल टू 2 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता, तो यहाँ पे ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाता बट 2 माइनस 2 आयोटा और यहाँ से z2 दिया हुआ है 1 माइनस 2 आयोटा, क्या दोनों इक्वल है, देखो दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 कॉमन जो सॉल्यूशन कॉमन जो वैल्यू आएंगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसमें, हेलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, z1 इज इक्वल टू z2 लिख रहे हैं इट मीन्स क्या हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए है ना, क्लियर है। किसने पूछा था अभिषेक शुभम हेलो किसने पूछा था, समझ में आया नहीं रुचिका, हेलो आ गया सर बोलो ओके। अब देखो इस तरह के कोई कंडीशन इसमें नहीं होते हैं, सपोज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये बोला जाता है ना ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये सही है कि नहीं, अगर ऐसे बोला जाए तो ये करेक्ट है कि नहीं। नो सर बोलो, नो सर इनकरेक्ट है, यस सर ओके, ये क्या होगा करेक्ट होगा, इनकरेक्ट ऐसा नहीं है ना, इवन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये करेक्ट है कि नहीं, ये भी करेक्ट है ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में से एक चीज होना चाहिए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा, देखो और यहाँ पे है ना ऐड कर रहा, मीन्स दोनों में से एक भी चीज अगर करेक्ट है तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो ये भी करेक्ट है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना, दोनों में से एक करेक्ट है कि नहीं, ग्रेटर है इट मीन्स क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 1 नहीं है। सो यहाँ दिया हुआ है 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो ये भी क्या है करेक्ट है क्योंकि इसको लिखेंगे 2 इज समझ में आया क्लियर हो गया, हेलो हेलो क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट 1 ये याद रखना है। सेकंड अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये जो साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 ये क्या है करेक्ट है ना, ऐसा नहीं लिख सकता है 3 ग्रेटर देन 3 ये क्या है इनकरेक्ट है
आई बात समझ में? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी करेक्ट होंगे, है ना? समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखना, एग्जाम्पल है ये। ओके नेक्स्ट, ध्यान दो, ये क्या होता है लेस देन का, किस पर रिप्रेजेंट करता है? लेस देन, जैसे टू लेस देन थ्री, ये क्या है? करेक्ट है। इसको कैसे रीड करेंगे? टू इज लेस देन थ्री, है ना? आई बात समझ में? फोर, ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, मींस दोनों में से कोई भी होगा तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे टू लेस देन इक्वल टू टू और टू इज लेस देन थ्री, ये क्या है? दोनों करेक्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? हेलो, यस सर। अब देखो यहां नोट में लिखना कि इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, मीनिंगलेस होता है, है ना? मॉडुलस के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, मॉडुलस के साथ रिलेट किया जाए तो हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली लेंथ होता है, है ना? बताया था ना ओरिजिन से वो क्या होता है? लेंथ होता है। बट इनइक्वालिटी अगर बोल दिया जाए जेड वन ग्रेटर देन जेड टू और जेड वन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड टू, जेड वन लेस देन जेड टू और जेड वन लेस देन इक्वल टू जेड टू, फोर ही साइन होते हैं, है ना? ये सब क्या होता है? ये सब करेक्ट नहीं होते, इनकरेक्ट होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ना ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टली अगर रिलेट किया जाए तो जेड वन एंड जेड टू क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड वन एंड जेड टू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, जेड वन एंड जेड टू को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं। देखो फोर ही साइन आएंगे, ये वाले आ जाएंगे, फोर साइन ही आएंगे इनइक्वालिटी में, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ओनली फोर, ये ध्यान रखना, इसके बारे में बता दियो। हाँ सर, अगर मॉडुलस लेंगे तो एग्जिस्ट करेगा? हाँ मॉडुलस लेंगे तो वो लेंथ हो जाएगा, मॉडुलस के साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे बोल दिया जाए कि टू प्लस थ्री आयोटा ग्रेटर देन माइनस वन माइनस आयोटा, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, है ना? ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी मिले नहीं, एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। है ना? ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट? समझ में आया? तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन दे दिए फिर भी इसको क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कभी आया तो बताना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या मीनिंगलेस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन मॉडुलस के साथ अगर सिंपली इस तरह से दिया जाएगा, मॉडुलस जेड वन ग्रेटर देन मॉडुलस जेड टू, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ये सब क्यों एग्जिस्ट करता है? ये बेसिकली लेंथ है, ये भी क्या हो जाएगा? लेंथ। आई बात समझ में? जैसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हो गया? रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। सो जेड वन अगर यहां पे दे रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाले वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड वन आएगा, है ना? इस तरह से समझना है कि उसको रिलेट कर सकते हैं, टू यूनिट थ्री यूनिट। जैसे देख यहाँ पे ध्यान दी कि जेड वन इज इक्वल टू लिख दिए फाइव प्लस ट्वेल्व आयोटा, है ना, और जेड टू लिख लिए माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। तो देखो यहां से मॉडुलस ऑफ जेड वन फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी? थर्टीन आएगा। यस और नो?
मॉडुलस ऑफ जेड टू फाइंड करोगे, ये वैल्यू कितना? 5 क्या आएगा? 5। और देखो स्क्रीन विजिबल है? हेलो, ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड वन ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ क्या जाएगा, जेड टू। हालांकि इक्वल टू भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वालिटी क्या होते हैं? इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगा मॉडुलस के साथ, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। राइट सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, अगर स्क्वायर करने के बाद अगर रियल नंबर आता है तो भी कर सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं, तो एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, तो दोनों का स्क्वायर करने के बाद क्यूब करने के बाद। हाँ, तो रियल नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली उसको करना है, रिलेट कर सकते हो, तो स्क्वायर वहां पे लिखना होगा, है ना? अगर रियल नंबर स्क्वायर करने के बाद दोनों रियल नंबर आ रहे हैं तो उसको तो कंपेयर कर ही सकते हो ना, क्योंकि रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से। क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर लाइन पढ़े हो ना, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। x इज इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर्स होता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर, यस और नो? माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है, इधर जाओगे तो इंक्रीजिंग कर इंक्रीज करता है। ओके, समझ में आया? लिखते हैं ना, बोल सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 2, ये सब है ना, ये सब तो रियल नंबर को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है एक दूसरे से। बेसिकली इनइक्वालिटी क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, किसी को हाइट को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो किसी के वेट से। अपने फ्रेंड का वेट, तुम्हारे फ्रेंड का वेट 60 केजी है तो, और तुम्हारा वेट 58 केजी है, तो वहां पे बोल सकते हो कि वेट ऑफ माय फ्रेंड इज ग्रेटर देन, वो ग्रेटर वाले साइन लगा सकते हो, है ना, उसका नेम लिख सकते हो उसके बाद। तो इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन वो रियल चीजों में आता है, वो इमेजिनरी वाले में नहीं जाएगा। राइट, है ना, समझ में आया? किसी को परेशानी यहाँ तक? ओके, किसी को पूछना है अब तक? कुछ भी पूछना है? लगता है कि कोई भी बात क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर हो गया है तो एज इट इज क्या करना है? एकदम याद रखना है, ऐसे ही होता है। सेकेंड चीज इसमें सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, जो बताया हूँ एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर लेना है माइंड में, यही जरूरत पड़ेंगे। राइट, हेलो, यस सर, ओके। तो चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? पहले देखते हैं पॉलिनोमियल टेंस में पढ़े हो ना, पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो क्या लिखते हैं? अगर पी एक्स लिख रहे हैं सो ए टू द पावर, या सिंपली ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस, अब ये चलता जाएगा कब तक? ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट, वेयर ए एन माइनस वन, ये सारे जो वैल्यू आएंगे वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ओके, पॉलिनोमियल्स टेंथ में पढ़े हो ना, एंड जो एन जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर मींस क्या होगा? एन का जो पॉसिबल वैल्यू होंगे वो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, इसी में से कोई भी वैल्यू होंगे, है ना? हेलो, समझ में आया बात? सो
सपोज यहाँ पे कि n इज इक्वल टू टू, जब टू ले लिए, सो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट, वेर ए टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं होता है ना, सो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू जो आएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये क्या आ जाएगा बोलो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, डिग्री टू है, डिग्री ऑफ एक्स इज टू, आई बात समझ में, हेलो। सो पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी बता दूंगा, ये टेंथ में पढ़े हो रुचिका, क्लियर है, हाँ। सो अगर डिग्री टू रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, थ्री रहेगा तो क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, यहाँ पे एन इज इक्वल टू थ्री, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यहाँ पे अगर ए थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो रहेगा तो क्यूबिक बचेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन। देखो ये आउटपुट हो गया बेसिकली, इसको समटाइम्स क्या हो जाएगा कि पी एक्स को वाई भी बोला जाता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आउटपुट देखा जाता है, यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, ये एक्स एक्सिस, तो ये बेसिकली जो ये लाइन हो गया वो इनपुट हो गया, और ये जो लाइन होता है ना, जो भी हो यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये क्या होता है, आउटपुट होता है, तो इसको पी एक्स भी बोल सकते हैं और अभी वाई भी समझना है, राइट, ये समझ सकते हैं क्योंकि इसको ग्राफ में इसका यूज होता है, राइट। तो अगर डिग्री टू होगा तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, डिग्री थ्री होगा तो क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर इसी को ध्यान दो, सो वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, मान लिया कि ए टू इज इक्वल टू एक्स, मान लिए ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू सॉरी ए ए वन इज इक्वल टू बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू सी, मान लिया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर देखो इसी को लिखेगा कि ये y इज इक्वल टू यहाँ पे है, अगर सिंपली ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू जीरो लिखेगा, तो देखो इक्वल टू जीरो कर दिए, यहाँ पे क्या है इक्वल टू जीरो, इक्वल साइन, ये y इज इक्वल टू बेसिकली इसका आउटपुट रिलेट कर रहा था कि क्या इनपुट पुट करेंगे कि y का वैल्यू आएगा, यहाँ पे y को हटा करके जीरो कर दिया गया कि x के किस वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो ये क्या हो गया इक्वल साइन आया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जब इक्वल साइन आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ y इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ x इन्वॉल्व है कि x के किस वैल्यू के लिए जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू जीरो दे रहा है ना, दो एक्सप्रेशन को क्या किया है यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं या जीरो के इक्वेट कर दिए हैं, जीरो से जब भी इक्वेट करोगे तो एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं ये सब चीजें मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ होगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा इसका एक टच दे रहे हैं कि हाँ समझ में आ जाए। सो जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, मीन्स इसको जो रेडियस एट इंटू द फॉर्म ऑफ, देखो किसके फॉर्म में,
ध्यान दो, a इनटू x प्लस सपोज यहाँ के वन का स्क्वायर है ना, ध्यान दो के वन का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे के टू के फॉर्म में, इसके फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखो कैसे रिड्यूस करते हैं, हालांकि परफेक्ट स्क्वायर का मेथड पढ़ चुके होंगे कि कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग सम पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे, a कॉमन ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, सी को बाहर रखेंगे, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये वाले टर्म को साथ में रखेंगे, टेक टूगेदर, सी वाले को क्या करेंगे साइड में रखेंगे। सो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखो हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। सो इसके जस्ट रिवर्स में भी जा सकते हैं कि इसके ऑर्डर में रहा तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। आ रही बात समझ, सबको समझ में? रुचिका वन से हेलो, ओके। सो देखो हमेशा क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट रखना है, अलग रखना है उसको, सेपरेटली उसको करेंगे, रख लेंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अब ये वाले टर्म में क्या होगा कि देखो इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, ये वाले पार्ट को ए कॉमन ले लेंगे है ना। सो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए है ना एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे क्या किए हैं, इससे इसमें आने में टेकिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन। सो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। अब देखो अब सोच पाओगे कि देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस, जो भी हो माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। यहाँ पे देखो अगर माइनस रहेगा तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। सो देखो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू ये बी वाई क्या हो जाएगा टू ए, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, टू ए बी के फॉर्म में होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस टू प्लस माइनस टू ए बी, जो भी रहे माइनस रहेगा तो माइनस प्लस रहेगा तो प्लस है ना। सो टू से मल्टीप्लाई किए तो टू से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर है, ये देखो ए स्क्वायर है अब प्लस, माइनस दे करके कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, अगर माइनस रहेगा तो क्या करना है, माइनस वहां पे रखना है, नहीं रहेगा तो ठीक है। अब देखो ये टू भी है, ये एक्स हो गया, ये वाला एक है ना, इट मीन्स ए स्क्वायर इंटू क्या है, ये ए के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा बी के फॉर्म में, तो बी के फॉर्म में ये टोटल है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर, इट मीन्स बी स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, अब जो ऐड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए रखेंगे। समझ में आ गया ये स्टेप, हेलो समझ में ये स्टेप आया सबको? ओके, सो y इज इक्वल टू अब क्या लिखोगे, a इंटू, अब ये करोगे इसको क्या करना है, तीनों टर्म को साथ में रखोगे तो देखो ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, इसके जस्ट रिवर्स में है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। सो फॉर्मूला यूज करोगे तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा सी, कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा। अब क्या करोगे, वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर, अब ए को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, बाहर कर रहे हो ना, ये वाले को साथ में रखें, सो माइनस ए इंटू बी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, सो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को लिखोगे a इंटू एक्स प्लस बी वाई, इतना याद नहीं रखना, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो तो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बी वाई टू ए का होल स्क्वायर यहाँ देखो प्लस c माइनस यहाँ बी स्क्वायर, अब भाई क्या लिख सकते हो फोर ए राइट,
सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फोर ए, राइट। अब इसी को लिखा जा सकता है, समटाइम्स लिखा हुआ देखोगे एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लिख करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखेगा, अब बाई क्या लिखेगा फोर ए। आई बात समझ में, चेंज कर दिए है सिर्फ माइनस से, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा एक, बट ज्यादा ये प्रीफर करना है। सबको समझ में आ गया? सर एक बार एग्जांपल से समझा दीजिए ना। क्या सर एक बार एग्जांपल से समझा दीजिए ना। हाँ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। सर एक बार लिखिए बस बस सर, सर एक बार ऊपर के लिए एग्जांपल से बहुत इजी हो जाएगा। वो प्रोसेस देखो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखना चाहिए एक बार कि क्या हो रहा है, ताकि वो चीजें समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम्पल से तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू सपोज टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, है ना। एक बहुत इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे क्या लिए एट एक्स प्लस फाइव, क्या बोले थे कि कॉन्स्टेंट टर्म को इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इससे चलना है y टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, है ना, प्लस क्या हो जाएगा फाइव। अब देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हम लोग को इससे मतलब है, मीन्स यहाँ पे कोफिशियंट वन होता है ना, बी स्क्वायर का भी कोफिशियंट वन होता है, यहाँ टू ए बी सिर्फ होना चाहिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, कोफिशियंट को बाहर ले लेंगे इसके जो कोफिशियंट है हमेशा, सो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव ही रह जाएगा। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस टू तो आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर बाई टू हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई किए टू से डिवाइड कर देंगे एक्स आ गया, राइट। अब देखो इसके लिए, अब देखो ये फोर बाई टू इट मीन्स क्या हो गया, ये कैंसिल आउट होकर के टू बचेगा, सो टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये क्या हो गया ब्रैकेट में हो जाएगा, ये वाले टू यहाँ पे आ जाएंगे और ये कांस्टेंट को बाहर लिख देना है, ये वाले कांस्टेंट यहाँ से, ठीक है। सो y इज इक्वल टू टू इंटू, अब ये वाले कंप्लीट यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और ये प्लस फाइव, अब लिखोगे टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव, सो y इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, ये आ गया। बस इस तरह से ब्रेक करना था, समझ में आया? बस कोई दिक्कत किसी को? हेलो, नो सर, हो जाएगा? यस सर, पक्का? अच्छा इसका बताओ क्या आएगा फाइनली एग्जांपल में, इसको भी इसी तरह से ब्रेक करना है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन, है ना, इसी तरह से ब्रेक करना है। बताओ ब्रेक करके क्या आएगा? दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो गया? तो क्या आया?
थ्री कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स है ना, यहाँ पे 15 बाहर लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 9 बाई 2 एक्स प्लस 9 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 15 रह जाएगा। ये सुनो सर, सर थ्री कॉमन लिए तो 3x होगा। ओके 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 सॉरी। तो सॉरी हाँ थैंक यू। सो यहाँ पे क्या होगा, थ्री एक्स प्लस क्या है 15। सो यहाँ से लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 15 बाहर रह जाएगा है ना। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 9 बाई 4 इंटू 3 27 बाई 4 प्लस 15। समझ में आ रहा है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर जब उसको निकालोगे तो। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और ये 60 माइनस 27 हाउ मच माइनस 33। तो माइनस 33 और प्लस 33 बाई 4 है ना, ये आ गया y इज इक्वल। चलो तो इसका जस्ट क्या कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में कैसे ब्रेक कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या है, जब भी ब्रेक कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर इसको क्या कर रहे थे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू परफेक्ट प्लस कांस्टेंट ये कर रहे थे है ना। इस तरह से हम लोग ब्रेक कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कुछ था। तो चलो ये था एक प्रोसेस, वो प्रैक्टिस के लिए दे रहे थे, यूज क्या होगा वो बताऊंगा बाद में। अब देखो इसके बाद जैसे हम लोग के पास आया कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब इसको हम लोग ब्रेक किए थे तो क्या आया था जी बताओ, अभी क्या रिजल्ट आया था, a इंटू एक्स प्लस यहाँ देखो b है बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आया था, ध्यान देना और बाई फोर है यही आया था है ना। तो देखो इसको ध्यान में भी रखना, अगर नहीं भी ध्यान में रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत इजिली समझ पाओगे बाद में। अब देखो हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग करना क्या है कि जैसे जैसे y इज इक्वल टू अभी इसको रहने देना है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो तीन चीज पॉइंट यहाँ पे नोट में लिखना कि अगर नोट में इस तरह से रहा कि y इज इक्वल टू या सिंपली अभी वहां पे रहने देते हैं है ना, उसको फिर से बाद में उसका प्रोसेस करेंगे, देखेंगे बाद में क्या होता है। जब अभी कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं, सपोज स्क्वायर रूट 4 है तो इसका वैल्यू बताओ, तुम लोग भी बताएं क्या 2 होगा प्लस माइनस 2 होगा, ये बताया हूँ क्या माइनस 2 होगा सर, प्लस माइनस 2 सर 2 होगा प्लस, हाँ एग्जैक्टली आंसर क्या होगा 2 होगा क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है ना। देखो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता है तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस के साथ जाता है 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ देखो प्लस माइनस और ये 2 वैल्यू देता है, इसलिए एक बार प्लस माइनस 2 हो गया, इट मीन्स यहाँ से प्लस 2 हो गया और ये माइनस 2 हो गया। तो प्लस 2 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, अगर लिखते भी हो तो इनकरेक्ट नहीं है, है ना। प्लस ऐसे जनरली नहीं लिखते हैं, 2 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, बाई डिफॉल्ट वही समझा जाता है, लेकिन माइनस 2 को माइनस हटा के नहीं लिख सकते, माइनस लिखना ही पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी वैल्यू होते हैं, इसलिए कि देखो एक्स का क्या वैल्यू यहाँ पे रखा जाए,
कि क्या हो, फोर के इक्वल हो। तो देखो हम लोग को पता है कि रियल वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये निगेटिव नंबर हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव नंबर का भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही देगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे फोर आने का पॉसिबिलिटी दो है, एक बार निगेटिव लें एक बार पॉजिटिव लें। तो टू ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, माइनस टू भी लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू दोनों पॉसिबल है, माइनस टू लो या प्लस टू लो, तो दो वैल्यू पॉसिबल है। दो वैल्यू कैसे पॉसिबल, डिग्री भी टू हो गया, जितने डिग्री रहेंगे उतने पॉसिबल वैल्यूज होंगे। हो सकता है कि समटाइम्स क्या हो कि सारे रियल वैल्यू हो, रियल नंबर लाइन से है, या समटाइम्स एक दो इंट्रोड्यूस हो जाए इमेजिनरी नंबर भी, कुछ भी हो सकते हैं, है ना, समटाइम्स। लेकिन डिग्री जितना रहेगा उतना हम लोग बता सकते हैं कि उतने ही इसका पॉसिबल वैल्यूज होंगे, वो भले रियल हो या इमेजिनरी हो, इमेजिनरी इन द सेंस के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म। आई बात समझ में, जितने डिग्री होंगे उतने ही वैल्यू। सो ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट अगर फोर लिखा हुआ है तो हमेशा वैल्यू टू होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ जाता है, है ना, इसका तो वैल्यू ऑलवेज टू ही होगा। ये प्लस माइनस आने से क्या हो गया, दो पॉसिबल होंगे, तो स्क्वायर रूट कभी भी जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट में सिर्फ लिखा हुआ है इस तरह से, आगे इसके प्लस माइनस नहीं लिखे हुए हैं तो ऑलवेज टू होगा। अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस टू होगा। आई बात समझ में, तब ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब इनकरेक्ट है। आई बात समझ में, ये हमेशा याद रखना। अब देखो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये ध्यान रखना। सपोज यहाँ पे अगर इस तरह से हुआ कि माइनस फोर का स्क्वायर ही लिखा हुआ रहे, है ना, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, फोर देगा, ना कि माइनस फोर देगा। आई बात समझ में, है ना, क्योंकि पॉजिटिव आउटपुट देगा। एक ऐसा चीज है ये स्क्वायर रूट, एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा एक प्रोसेस है या ऐसा एक मशीन टाइप के समझ लो अभी के लिए, कि हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर आउटपुट देता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? हेलो बोलो। हाँ, एक ऐसा मशीन है, इसको समझ सकते हो रफ लैंग्वेज में कि हाँ ऐसा मशीन है कि हमेशा क्या देगा, आउटपुट पॉजिटिव देगा। ओके, सो अब देखते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रुचिका तुमको पढ़ा दिए ना ये एक्सप्रेशन, है ना रुचिका? यस सर, बताया हूँ ना। चलो तो ये तो एक बार देख करके आना, इसका देखो रस इसके अगर देखेंगे y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक, सिंपली एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, नेचर हमेशा इसी के नेचर के टाइप के आएंगे हमेशा ग्राफ, है ना, उसी में थोड़ा सा ग्राफ होगा कि चलो बना करके बताएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर। एक्स क्या है, यहाँ पे इनपुट है, वाई क्या है, आउटपुट है, बस अभी के लिए यही समझना है, आउटपुट है। सो वाई क्या होगा, ये आउटपुट वाई एक्सिस पे होगा, ऑन वाई एक्सिस, और ये ऑन एक्स एक्सिस, है ना। सो क्या करते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं, सपोज ध्यान दो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, सपोज यहाँ पे माइनस थ्री हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, इस तरह से। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो वाई इज इक्वल टू बताओ माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, ये सुनो। एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू माइनस टू का, सॉरी माइनस टू ले लो, माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, समझ में आ रहा है? हेलो
ये वाई का वैल्यू रख लेना, एक मिनट यहाँ पे कुछ लिखने में ये थोड़ा सा ध्यान देना। x is equal to minus 3, तो y is equal to क्या है, y जो वैल्यू ये थे x का होल स्क्वायर है, सो माइनस थ्री का होल स्क्वायर करोगे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से y is equal to क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यहाँ से y is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2, 3 पुट करोगे तो y is equal to 3। तो देखो ये लाइन हो गया y is equal to 1 का, y is equal to 4 का, रूट रूट में भी वैल्यू रख सकते हो y is equal to 9 का। सो y is equal to 3 पे 9 का वैल्यू मिल गया है ना, y is equal to 9। x is equal to minus 2 पे y is equal to क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x is equal to 1 पे y is equal to 1 हो जाएगा। x is equal to 0 पे 0 हो जाएगा। x is equal to 1 पे y is equal to 1 मिलेगा। x is equal to 2 पे y is equal to 4 मिलेगा। x is equal to 3 पे y is equal to क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सारे पॉइंट को अगर बहुत सारे पॉसिबिलिटी लेना है, जितना नजदीक वाले पॉइंट लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट करवाएंगे, इस तरह से जाएगा नीचे। आई बात समझ में, इसका क्या हो गया, रफ डायग्राम हो गया। एक रफ स्केचिंग किए हैं है ना, मीन्स इसी तरह से मोर एंड लेस होगा। आई बात समझ में, तो y is equal to x square हो गया, तो इसका इस तरह से जाएगा, समझ। अब देखो y is equal to minus x square, इसी तरह से एग्जांपल लेकर के बनाना है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो क्या होगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में, तो क्वाड्रेटिक कोई भी इन जनरल रहेगा, y is equal to ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस तरह से है तो दो पॉसिबिलिटी होंगे। अगर a का कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव अगर होता है ना, तो ग्राफ हमेशा इस तरह से जाएगा, मीन्स प्रॉपर ग्राफ हो गए, इस तरह से दे जाएगा, और हो सकता है कि इस तरह से मिल जाए, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, और इस तरह से मिल जाए है ना, बट नेचर क्या होगा, इसी तरह से होगा कि ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। अब देखो ऑब्जर्व तुमको करना है, अगर कोफिशियंट ऑफ सेकंड में ये फर्स्ट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव, अगर कोई भी निगेटिव रियल नंबर है, समझ लो माइनस टू है माइनस थ्री है, तो हमेशा ग्राफ का जो नेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो इस तरह से जाएगा, हो सकता है कि ऐसे जाए, बट ओपन होगा टुवर्ड डाउनवर्ड है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन स्मूथ कर्व होंगे। आई बात समझ में, रफ स्केच से पता चल जाएगा मोर एंड लेस क्या होगा, बहुत ज्यादा तो ग्राफ, एक ग्राफ इस तरह से है तो सेकेंड ग्राफ हो सकता है ऐसे जाएगा, बट ओपन इसी तरह से, हो सकता है कोई ग्राफ इस तरह से आ जाए, जैसे ये हो गया वाई इज इक्वल टू वन वाई थ्री एक्स स्क्वायर का हो गया, मान सकते हो ये वाले जो ग्राफ होंगे वाई इज इक्वल टू ये माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से पॉसिबिलिटी होंगे। एक बार प्लॉट कर लेना, जैसे यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसी में अगर प्लॉट करोगे तो वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर का, बट नेचर ऐसा ही होगा, चेंज नहीं होगा है ना। आई बात समझ में, हेलो, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, समझ में आई बात, हेलो। तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर जैसे चेंज किए वो देख लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बताऊंगा कैसे इसका ग्राफ, देन रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे है ना, उसके बाद जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी आता है उसके बारे में बताएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसका करवाऊंगा, देन फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, ठीक है।
उसके बाद आएंगे मॉडुलस पे, इनइक्वालिटीज पे, लॉग पे, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। कुछ अभी तक जिनको लगता है कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। किसी को पूछना है एनीवन? किसी भी तरह का डाउट पूछना है किसी को? नो सर। ओके चलो तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। ओके बाय बाय। पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कोई एक बार रिवीजन करके आ जाना है और आगे का चीजें पढ़ के आना है, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्राइक जो आइडेंटिटी आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये सब फॉर्मूला देख के आ जाना है। ठीक है, बाय बाय।